नमस्कार दोस्तों, आपने फेसबुक पर हाल ही में एक नया पेज बनाया है और आप उसका यूज़र नेम सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने नए फेसबुक पेज का यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, हम फेसबुक के अंदर अपना एक नया पेज बनाते हैं अपनी प्रोफाइल की मदद से, और फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरी ढूंढने पे भी वो सेटिंग नहीं मिलती है जहां पर आपका यूज़र नेम सेट किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना एक नया पेज बनाया है। जो पेज है वो ये पेज है, इस पेज को मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़र नेम किस प्रकार सेट होगा और एप्लीकेशन है जो फेसबुक की उसके अंदर सेट क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अपना यहाँ पर पेज ओपन करता हूँ, और पेज ओपन होने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, और जैसे कि हम प्रोफाइल में अपना यूज़र नेम या प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से आजकल हमारा जो पेज है वो ठीक प्रोफाइल की तरह ही दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे सेटिंग में जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर गिनी चुनी सेटिंग मिलेगी, यानी कि वो आपको यहाँ पर पूरी सेटिंग नहीं मिलेगी जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाए या फिर आप अपने फेसबुक पेज का जो यूज़र नेम है वो सेट कर पाओगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी सेटिंग दिखा देता हूँ। देखिए पेज सेटिंग है, लिंक अकाउंट है, आपको यहाँ पर स्विच प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, टर्म एंड कंडीशन, कुकीज वगैरह वगैरह सब सेटिंग मिल जाती है। पर जहाँ पर हम क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज का यूज़र नेम सेट करते हैं, सिर्फ वो सेटिंग नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, नेम आपको यहाँ पर आपके फेसबुक पेज का नेम दिखाई दे जाएगा, प्राइवेसी, पेज टैग वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर आप अपने फेसबुक पेज का यूज़र नेम यहाँ से सेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार आप इसको सेट करोगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र का सहारा लेना होगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको facebook.com लिखकर सर्च करना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, और आपको इस डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। फिर आपके सामने आपकी फेसबुक एप्लीकेशन है, यानी कि जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है वो आपके सामने खुल जाएगी। अब आपको उस पेज को यहाँ पर अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करके उस पेज को सिलेक्ट कर लेना है जिस पेज का आपको यूजर नेम सेट करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको दोबारा से फिर अपना पेज के जो प्रोफाइल है उसके ऊपर फिर दोबारा क्लिक करना है, राइट साइड कोने में दिखाई देगी, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है, और सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने इंफॉर्मेशन वाला पेज आ गया है, और आपको यहाँ पर आपके पेज का नाम दिखाई देगा और यूजर नेम का जो कॉलम है वो खाली है बिल्कुल, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके सामने एक एडिट का बटन है, आप जैसे ही एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कॉलम फिल करने के लिए आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले सबसे पहले देख लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा है और इसके सामने एक एडिट का बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कॉलम आ गया है, अब आपको इस कॉलम में अपना जो पेज का जो यूजर नेम है आप जो सेट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेट करना है और लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही का टिक होना चाहिए, यानी कि ये टिक ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका पेज का यूजर नेम एक्सेप्ट किया जाएगा फेसबुक की तरफ से। अब आपको इसको सेव चेंज पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव चेंज पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपके फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से इसको देखना है कि आपके जो फेसबुक पेज का URL यानी कि जो आपका यूजर नेम है वो आपका सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने जो फेसबुक एप्लीकेशन है इसको एक बार बंद कर देना है और दोबारा से गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे गूगल क्रोम में जाओगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपके सामने आपका पेज ओपन नहीं होता तो दोबारा से आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में ऊपर सर्च बार में टाइप करना है facebook.com, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से अच्छी तरह से देख लेना है facebook.com, दोबारा से सर्च करना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में, और आपको यहाँ पर M हटा देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे facebook.com सर्च करोगे तो आपके सामने दोबारा से आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपके गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी, और अब आपको यहाँ पर दोबारा अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके अपने उसी पेज को सिलेक्ट कर लेना है जो पेज आपका, जिस पेज का आप यूज़र नेम चेंज करना यानी कि सेट करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। आपको उस पेज को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप दोबारा सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके जैसे आप देखोगे तो आपके इस फेसबुक पेज का जो आपने नया बनाया है अभी हाल ही में उसका आसानी से आपका यूजर नेम सेट हो चुका है।
ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से कर सकते हो। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर का सहारा लेना होगा। आप फेसबुक एप्लीकेशन की मदद से अपने फेसबुक पेज का यूजर नेम सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा यूजर नेम यहाँ पर सेट हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फेसबुक के नए पेज का यूजर नेम सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।